अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाइथन पैंडास डाटा फ्रेम। पैंडास डाटा फ्रेम जो है वो 2 डायमेंशनल साइज म्यूटेबल पोटेंशियली हेट्रोजीनियस टेबुलर डाटा स्ट्रक्चर है, जो लेबल्ड एक्सिस के साथ जो है उसको रिप्रेजेंट किया गया रोज एंड कॉलम्स। डाटा फ्रेम जो है वो 2 डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल पुट की गई है, डाटा जो है वो अलाइंड है ट्यूबुलर फैशन में, जिसमें रोज और कॉलम जो है वो रिप्रेजेंट किया गया। पैंडास डाटा फ्रेम जो है वो कंसिस्ट है, जिसमें 3 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स पुट किया गया है, डाटा रोज एंड कॉलम्स। यहाँ पे देखिए ऊपर जो है यहाँ पे कॉलम्स रिप्रेजेंट किया गया, नेम नंबर पोजीशन एंड एज से जो है रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ पे जो है वो रोज को रिप्रेजेंट किया गया और नीचे जो है इसको डाटा से जो है रिप्रेजेंट किया गया। ये जो है 3 प्रिंसिपल से कंपोनेंट्स के यहाँ पे जो है पुट किया गया, इसमें हम जो है वो बेसिक ऑपरेशन पुट किया गया जिसको परफॉर्म किया गया पैंडास डाटा फ्रेम में, क्रिएटिंग अ डाटा फ्रेम, डीलिंग विद रोज एंड कॉलम्स, इंडेक्सिंग एंड सिलेक्टिंग डाटा, वर्किंग विद मिसिंग डाटा, इटरेटिंग ओवर रोज एंड कॉलम्स, क्रिएटिंग अ पैंडास डाटा फ्रेम। हम जो है डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रियल वर्ल्ड में जो है वो पैंडा डाटा फ्रेम जिसको हम क्रिएट करते हैं, लोडिंग कर रहे होते हैं डाटा सेट के साथ एग्जिस्टिंग स्टोरेज में, और स्टोरेज जो है वो आप यूज कर रहे होते हैं एसक्यूएल डाटाबेस के लिए जो है आप यूज कर सकते हैं एसवी फाइल्स है और एक्सेल फाइल है। पैंडास जो है वो डाटा फ्रेम है जिसको आप क्रिएट कर सकते हैं लिस्ट से और डिक्शनरी से, और जो है वो यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करते हैं डाटा की डिक्शनरी में। डाटा फ्रेम जो है वो यहाँ पे आप क्रिएट कर रहे होते हैं डिफरेंट वेज में, जिसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया, जिसमें आप क्रिएट कर रहे होते हैं डाटा फ्रेम स्ट्रक्चर को, क्रिएटिंग अ डाटा फ्रेम यूजिंग लिस्ट। डाटा फ्रेम जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग अ सिंगल लिस्ट और अ लिस्ट ऑफ लिस्ट। सिंगल एलिमेंट पुट किया गया, इम्पोर्ट पैंडास एट पीडी, इम्पोर्ट पैंडास एज पीडी जो है रिप्रेजेंट किया गया। लिस्ट ऑफ सिंग है जिसमें जो है वो लिस्ट क्रिएट की गई है, और कॉलिंग डाटा फ्रेम कंस्ट्रक्टर ऑन लिस्ट df is equal pd dot data frame जो पुट किया गया। रन नोड आईडी जो रिप्रेजेंट किया गया, इसमें आप आउटपुट देखें इस तरीके से जो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया गया स्क्रीन पर, जिसमें क्रिएटिंग डाटा फ्रेम जो रिप्रेजेंट किया गया। क्रिएटिंग डाटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ एंड अरेज लिस्ट, हम जो है वो क्रिएट करते हैं डाटा फ्रेम को डिक्शनरी से और अरेज लिस्ट, जिसमें जो है वो ऑल अरे नरे जो आउटपुट की गई है एन अरे जो है वो सेम लेंथ के साथ। अगर इंडेक्स जो है वो पास्ड है तो देन द लेंथ ऑफ इंडेक्स जो है वो शुड बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ अरेज। अगर इंडेक्स जो है वो नॉट पास्ड है देन बाय डिफॉल्ट इंडेक्स विल बी रेंज एंड वेयर एंड इन द नंबर ऑफ लेंथ। सिंगल एलिमेंट पुट किया गया, पाइथन कोड डेमोंस्ट्रेट क्रिएटिंग डाटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी लिस्ट बाय डिफॉल्ट एड्रेसेस, इंपोर्ट पैंडास एट पीडी, इनिशियलाइज डाटा ऑफ लिस्ट जो क्रिएट की गई है डाटा। अगेन यहाँ पे क्रिएट डाटा फ्रेम पुट किया गया, df इज इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम, प्रिंट टू आउटपुट, रन नोट जो आईडी पुट किया गया, आउटपुट जो है वो नेम और एज से इसको रिप्रेजेंट किया गया। डीलिंग विद रोज एंड कॉलम्स, डाटा फ्रेम जो है वो 2 डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर है, एग्जांपल है इसमें डाटा जो है वो लाइंड है ट्यूबुलर फैशन में, रोज एंड कॉलम्स। हम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं बेसिक ऑपरेशन को रोज और कॉलम्स में, लाइक सिलेक्टिंग पुट किया गया, डिलीटिंग है, एडिंग एंड रीनेमिंग। कॉलम सिलेक्टिंग, in order to select a column in pandas data frame we can either access the columns by calling them by their columns name. Single element put किया गया, import pandas package, import pandas dot pd, define a dictionary containing a employee data, data put किया गया name, age, address वगैरह qualifications, convert the dictionary into data frame, df is equal to pd, select two columns, print name and qualification mention किया गया, output किया name और qualifications के जो है रिप्रेजेंट किया गया स्क्रीन पर। ये जो है कॉलम से। अब बात करते हैं रो सिलेक्शन। पैंडास जो आप प्रोवाइड कर रहा है एक यूनिक मेथड, जिसमें आप रिट्राइव कर रहे होते हैं रोज को डाटा फ्रेम से। डाटा फ्रेम जो है लोकेशन मेथड जिसको आप यूज कर रहे, ड्राइव कर रहे हैं रोज को फ्रॉम पैंडा डाटा फ्रेम से। रोज जो है वो आप यूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर रहे होते हैं पासिंग इंटीजर लोकेशन, जिसमें जो है वो ILOC फंक्शन पुट किया गया। हम जो है वो यहाँ पे यूज कर रहे हैं nba.csv फाइल इन बिलो एग्जाम्पल्स में। सिंगल एलिमेंट पुट किया गया, इंपोर्टिंग पैंडास पैकेज, इंपोर्ट पैंडास एट पीडी, मेकिंग डाटा फ्रेम फ्रॉम सीएसवी फाइल, डाटा इज इक्वल टू पीडी रीड सीएसवी, रिट्राइविंग रो बाय एलओसी मेथड पुट किया गया लोकेशन मेथड। फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो डाटा लोकेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। आउटपुट जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया, जिसमें आप यहाँ पे देखें कि ये देखें टीम नंबर यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट किया गया। अगेन यहाँ पे जो टी नंबर जो है इस तरीके से 2 जो है यहाँ पे रोज को रिप्रेजेंट किया गया। इंडेक्सिंग एंड सिलेक्टिंग डाटा, इंडेक्सिंग जो है पैंडास में मींस इसका मतलब है सिंपली सिलेक्ट कर रहे हैं पर्टिकुलर रोज को और कॉलम्स को डाटा के लिए, जो यहाँ पे स्पेसिफाइड डाटा फ्रेम जो है रिप्रेजेंट किया गया। इंडेक्सिंग जो है वो यहाँ पे आप मतलब ये है कि सिलेक्ट कर सकते हैं रोज और कॉलम्स को, और यहाँ पे जो है वो रोज जिसमें कॉलम्स पुट किया गया और ईच ऑफ द कॉलम एंड ईच ऑफ द रो, जिसको आप जो है इसमें यूज कर सकते हैं इंडेक्सिंग एंड सिलेक्टिंग के लिए। इंडेक्सिंग जो है हम इसे कह सकते हैं सबसेट सिलेक्शन। तो इंडेक्सिंग अ डाटा फ्रेम यूजिंग इंडेक्सिंग ऑपरेटर। इंडेक्स ऑपरेटर जो है वो आप यूज कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट को, एग्जाम्पल पुट की गई है। The LOC is ILOC indexes are also used the indexing operator to make our selectors। यहाँ पे जो आउटपुट किया गया selecting a single columns। इन ऑर्डर में जो है वो आप select कर रहे हैं single column को, हम जो है वो simply put कर रहे हैं name of the column in between the brackets। Single element put किया गया importing pandas package import pandas at pd making data frame from csv file data is equal to pd read csv retrieving columns by indexing operator first जो है यहाँ पे represent किया गया। अगेन यहाँ पे जो है इस तरीके से आउटपुट जो है वो रिप्रेजेंट किया गया। इंडेक्सिंग अ डाटा फ्रेम यूजिंग एलओसी, ये फंक्शन जो है सिलेक्ट कर रहा है डाटा को जिसमें लेबल पुट किया गया रोज एंड कॉलम्स का, और डीएफ लोकेशन इंडेक्सिंग जिसमें आप सिलेक्ट कर रहे हैं डाटा को डिफरेंट वेज के। यहाँ पे जो है यूज कर रहे हैं इंडेक्सिंग ऑपरेटर, इसमें आप जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं सबसेट को, रोज को, कॉलम्स को, और यहाँ पे सिमल्टेनियसली जो है वो सिलेक्ट किया गया सबसेट को, रोज एंड कॉलम्स को। सिलेक्टिंग अ सिंगल रो, इन ऑर्डर में जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं सिंगल रो को, यूज कर रहे हैं एलओसी मेथड को जिसमें पुट कर रहे हैं सिंगल रो रेबल को एलओसी फंक्शन में। सिंगल एलिमेंट पुट किया गया इंपोर्टिंग पैंडास पैकेज इंपोर्ट पैंडास एट पीडी मेकिंग डाटा फ्रेम फ्रॉम सीएसवी फाइल रिट्रायरिंग और रिट्राइविंग रो बाय एलओसी मेथड जो है पुट किया गया फर्स्ट एंड सेकेंड जो है उसको रिप्रेजेंट किया गया। आउटपुट जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। अगेन यहाँ पे इंडेक्सिंग का डाटा फ्रेम यूजिंग आईएलओसी पुट किया गया। ये फंक्शन जो है वो लो कर रहा है जिसमें आप रिट्राइव रोज और कॉलम्स जो है पोजीशन को यूज कर रहे हैं, और इस तरीके से जो इसको फंक्शन को यूज किया गया लोकेशन को। सिलेक्टिंग अ सिंगल रो, इन ऑर्डर में जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं सिंगल रो को, यूज कर रहे हैं आईएलओसी मेथड को जिसमें आप पास कर सकते हैं सिंगल इंटीजर को आईएलओसी फंक्शन से इम्पोर्ट पैंडास एट पीडी। सिंगल एलिमेंट पुट किया गया मेकिंग डाटा फ्रेम फ्रॉम सीएसवी फाइल डाटा इज इक्वल टू पीडी रीड डॉट सीएसवी फाइल। अगेन रिट्राइविंग रोज फ्रॉम आईएलओसी मेथड पुट किया गया। आउटपुट जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। वर्किंग विद मिसिंग डाटा, मिसिंग डाटा जो है वो आप अकर कर रहा है जिसमें नो इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की गई है फ्रॉम वन और मोर आइटम्स और होल यूनिट के लिए। मिसिंग डाटा जो है बिग प्रॉब्लम है रियल लाइफ सिनेरियो में। मिसिंग डाटा जो है वो रेफर किया गया जिसमें एन ए नॉट अवेलेबल वैल्यूज इन पैंडास में रिप्रेजेंट किया गया। चेकिंग फॉर मिसिंग वैल्यूज यूजिंग यहाँ पे जो है पुट किया गया इज नल और नॉट नल। इन ऑर्डर टू चेक मिसिंग वैल्यूज इन पैंडास डाटा फ्रेम हम जो है वो यूज कर रहे हैं इज नल और नॉट नल। ये जो है वो बहुत फंक्शन है जो हमें हेल्प दे रहा है चेकिंग करने के लिए वैल्यू जो है वो इज नन है और नॉट है। ये फंक्शन जो है वो बेसिकली हम यूज कर रहे हैं पैंडा सीरीज में इन ऑर्डर टू फिल नल वैल्यूज इन अ सीरीज। यहाँ पे सिंगल एलिमेंट पुट किया गया इम्पोर्टिंग पैंडास एज पीडी इम्पोर्ट पैंडास एज पीडी इम्पोर्टिंग नम्पी एज एनपी इम्पोर्ट नम्पी एज एनपी डिक्शनरी ऑफ लिस्ट पुट किया गया क्रिएटिंग अ डाटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट यूजिंग इज नल फंक्शन डीएफ नल फंक्शन पुट किया गया, और यहाँ पे आउटपुट जो है वो रिप्रेजेंट किया गया जिसमें आप यहाँ पे देखें कि फर्स्ट स्कोर रिप्रेजेंट किया गया, सेकंड स्कोर और थर्ड स्कोर जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया फाल्स एंड ट्रू से। फिलिंग मिसिंग वैल्यूज यूजिंग फिल एंड रिप्लेस एंड इंटरपोलेट इन ऑर्डर टू फिल वैल्यूज इन डेटाबेस डेटासेट्स हम जो है यूज कर रहे हैं फिल एंड रिप्लेस और इंटरपोलेट फंक्शंस। ये जो है फंक्शन रिप्लेस कर रहे हैं नन वैल्यूज को सम वैल्यूज को उनके साथ। ये जो है वो ऑल ऑफ दीज फंक्शन हमें हेल्प दे रहे हैं फिलिंग और नल वैल्यूज इन डेटाबेस ऑफ द डेटाबेस फ्रेम में। इंटरपोलेट फंक्शन जो है वो बेसिकली हम यूज कर रहे हैं फिल एन वैल्यूज के लिए इन डाटा फ्रेम में, बट जो है वो इट यूज ए वेरियस इंटरपोलेशन टेक्निक जिसमें फिल कर रहे हैं मिसिंग वैल्यूज को रेदर देन हार्ड कोडिंग द वैल्यू। सिंगल एलिमेंट पुट किया गया इम्पोर्टिंग पैंडास एज पीडी पुट किया गया इम्पोर्टिंग पैंडास एज पीडी और डिक्शनरी ऑफ लिस्ट जो है वो क्रिएट किया गया, और यहाँ पे इसको जो है वो आउटपुट में रिप्रेजेंट किया गया स्क्रीन पे। यहाँ पे देखें जिसमें फर्स्ट स्कोर है सेकंड और थर्ड स्कोर जो है उसको रिप्रेजेंट किया गया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज एवरीवन।